हेलो गाइस, साहू मैडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे बेटनोमेट एन क्रीम के बारे में। ये क्रीम GSK कंपनी बनाती है और इसका प्राइस रहता है करीबन 45 रुपीज़, ठीक है। और इसकी जो पैकेजिंग है ये बहुत अच्छी शानदार पैकेजिंग में आता है और अच्छी पैकेजिंग में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। बेटनोमेट एन क्रीम के अंदर होता है बेटा मेथासोन और नियोमाइसिन टाइप का सॉल्ट होता है। बेटा मेथासोन 0.1% का होता है और नियोमाइसिन 0.5% के इतना सॉल्ट होता है। जो बेटा मेथासोन है एक ए स्टेरॉइड है, ठीक है, और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक सॉल्ट है, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस जान लेते हैं हम। जितने भी स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ना, उसमें ये काम आता है, जैसे कि यूटुकैरिया हो गया, सोरोसिस हो गया, जो कि रेडनेस और वाइट पैचेस होते हैं मुंह पे, वाइट पैचेस को, और उसको बोलते हैं सोरोसिस टाइप की डिसीज होती है उसको बोलते हैं। डर्माटाइटिस में काम करता है, जिसको खुजली की बीमारी हो उसको भी ये काम करता है। अगर किसी ने इंसेक्ट बाइट किया हो तो उसमें भी ये काम करेगा, जो कि जो नॉर्मल कीड़े अगर किसी ने काट लिया तो उसमें काम कर सकता है। स्किन इन्फ्लामेशन में भी काम करता है, जैसे कि स्किन में सूजन आ सकती है, आती है, तो भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। लोगों को बहुत इच्छुकता होती है कि इसको हम फेयरनेस के तौर पे यूज़ करें कि नहीं करें। लोगों को बहुत लोग ऐसे करते हैं कि बस फेयरनेस की वजह से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सस्ती मेडिसिन है, सस्ती क्रीम है, तो इसलिए इसको कोई भी केमिस्ट की शॉप में जाके और ये ले लेते हैं। देखिए, ये एक ऐसी बेटा मेथासोन एक ऐसे स्टेरॉयड है जो कि, हाँ मानता हूँ कि ये स्किन को गोरापन ग्लो कर देती है कुछ दिनों के बाद अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं इसको। तो ये बेटा मेथासोन स्टेरॉयड इसलिए होता है ना कि उसकी जो स्किन है ना उसको थिक कर देती है, और उसके बाद उसमें थोड़ा निखार आ जाता है, और वो अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो स्किन ग्लो करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है मैं अभी बता देता हूँ। अगर हम इसको फेयरनेस के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसके नुकसान ये हैं कि हमारा उस जगह पे अगर हम रेगुलरली यूज़ करें तो उसके अंदर एक इसकी हेयर ग्रो हो सकती है स्किन के अंदर, और जो हमारा स्किन होता है वो लूज़ हो सकता है, पेल टाइप की स्किन आ सकती है, ठीक है। और स्किन क्या होता है, पतला हो सकता है, इतना पतला हो सकता है कि आगे जाके वो नुकसान कर सकता है, सिकुड़ने लग जाएगा, एक पप्पी फेस जैसा टाइप का होता है ना, वो बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए मैं कहूँगा कि इसको एक फेयरनेस के तौर पे स्किन ये वाली क्रीम यूज़ ना करें, फेयरनेस के तौर पे इसके ना यूज़ ना करें। ये बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये फेयरनेस क्रीम नहीं है। अगर कोई यूज़ करता है तो प्लीज़ रुक जाइए और यूज़ ना करें इसको। हाँ, कोई बहुत लोगों का डाउट होगा कि ये एक पिंपल वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके अंदर नियोमाइसिन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, तो इसको एक्ने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ टाइम के लिए यूज़ करना है, जैसे कि डॉक्टर के पूछने के बाद ही इसको यूज़ कर सकते हैं नियोमाइसिन क्रीम, क्योंकि इसके अंदर है तो काम करता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब कौन किस किस को नहीं लेना चाहिए। जैसे कि इसको स्टेरॉयड से एलर्जी है, उसको तो कभी नहीं लेना चाहिए, और 2 साल से कम बच्चे हैं उसको नहीं लेना चाहिए। इसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं हो और हो उसके अंदर, उसकी वजह से स्किन में रैशेस वगैरह हैं, तो उसको नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को वायरस से जूझ रहा हो बंदा, जिसको चिकन पॉक्स हो, कोल्ड सोर हो, या फिर यान कोई वायरस की बीमारी हो, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके कोई कॉमन साइड इफेक्ट देखें तो, अगर हम कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि इसके रेडनेस आ सकती है स्किन में, ठीक है, इरिटेशन हो सकता है, खुजली के बाद हेयर आ सकता है, ठीक है, एक पपी फेस बन सकता है। बाकी स्टेरॉयड है तो आपको नुकसान हो सकता है स्टेरॉयड से, ठीक है। अगर हम बताएं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो जैसे कि मैंने पहले बताया गया है कि ये स्टेरॉयड एक एंटीबायोटिक क्रीम है, ठीक है।
एंटीबायोटिक क्रीम है, उसको हम रोज़ एक बार यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली यूज़ करना है तो 5 से 6 दिन तक के लिए यूज़ करो, ठीक है। और अगर डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर बोलने के बाद उसको 14 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर डॉक्टर क्योंकि डॉक्टर इसलिए बोलेगा क्योंकि उसके साथ वो कुछ और भी मिला के दवाई देगा, इसलिए वो यूज़ करने के लिए बोलेगा, अदरवाइज वो भी नहीं बोलेगा। और इसको अगर इसको लगा रहे हैं कोई क्रीम तो प्लीज़ थोड़ा धूप से बचें, और इसको लगाने के बाद कोई पट्टी वट्टी ना बांधें, ठीक है। लोग बांधते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग बांधते हैं, तो इसलिए इससे प्लीज़ सतर्क हो जाएं, ऐसा ना करें, आपके लिए नुकसान है। बाकी इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको कोई हेल्प हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।